रानी इतनी नाराजगी की वजह क्या है? ऐसी क्या नाराजगी है जो आप इतनी परेशान हो और आपने कलेश कर दिया है? महल के अंदर अंधेरा है, मुझे अपनी बातों से अवगत कराइए कम से कम। जब तक मालूम नहीं चलेगा वजह क्या है, जब तक मेडिसिन कैसे दे पाएगा डॉक्टर? महाराज कहिए रानी। महाराज घोड़ा ही सुनो कुछ। घोड़ा भी ही सहेगा और का। क्या आपको मेरी ये व्यवस्था दिख नहीं रही है? बिल्कुल दिख रही है रानी, लेकिन व्यवस्था ऐसी हुई कैसे कैसे उसको मुझे बता दे। क्या आपको आपके उस बेटे पूर्णमल ने कुछ नहीं बताया? रानी आप क्या कह रही हैं? क्या आपके उस पूर्णमल ने आपको ये नहीं बताया कि आज मैं जाके मौसी के साथ में बहुत कुछ कर चुका हूँ? मौसी पूर्णमल की ऐसी बात है? क्या आपको ये मेरे बिखरे हुए बाल दिख नहीं रहे? मुझे दिखाई तो दे रहे हैं, आपको ये मेरे फटे हुए वस्त्र दिख नहीं रहे? वस्त्र आधे तो फटे हुए हैं, आधे फैशन में फट रहे हैं रानी, लेकिन आप पहले दुपट्टा को संभालिए उसके बाद बात करेंगे। हो समाओ, थोड़ा सा संभालो अपने आप, थोड़े से अपने आप को संभालो। और धीर महाशय जी तू भी बंधा तो रहेगा बीच बीच में, तसल्ली से मुकदमा लिखवाएंगे, बताओ कोई बात नहीं। हाँ दरोगा जी बैठे हुए हैं मुकदमे को लिखने के लिए, बिल्कुल कलम ले लिए समझ लीजिए। मुझे ये बता दे पूर्णमल ने ऐसी क्या हरकत करी है आपके साथ में जो आप पूर्णमल को इस तरह से मेरे सामने पेश कर रही है जैसे उन्होंने इतना बड़ा कार्य कर दिया हो कि जिसको आप अपने मुखारबिंद से और मैं अपने मुखारबिंद से नहीं कहना चाह रहा। तेरे उस पूर्णमल ने देख किस तरह नीचे नाड़ गरे बैठा है। पूर्णमल जी पिताजी, तू भी अपने हुक्का से लगा के झेड़ पेड़ा दे। अगर यह सच्चा है तो इसने दरबार में बुला। दरबार में आइए पूर्णमल। हेलो, पूर्णमल की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, अक्तर आवाज उठा दे भाई। कहिए पिताजी क्या आदेश है मेरे लिए? इसने काम ही ऐसा करा जिसकी आवाज भी ना पहुंच पा रही। आदेश नहीं है अभी कुछ भी, और अभी मैं केवल तुझसे पूछताछ कर रहा हूँ। आदेश तो जब होगा, जब बात क्लियर हो जाएगी। क्या मामला है मुझे ये बता दे, मौसी के साथ में ऐसी क्या हरकत कर दी है तूने जो मौसी ने यह कहा है कि आपके पूर्णमल ने मेरे साथ में बस सलूकी की? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई पिताजी, मैं तो मौसी जी के चरणों में नमन किया था और तो मैं कहीं लखाया भी नहीं हूँ। हाँ यो मेरे चरणों में नमन करना ना आया, यो तो बहुत कुछ कर गया। पूर्णमल जी आपका नाम कैसे बार बार लिया जा रहा है? यो चरण छून की जगह मेरा ना के छू कर चला गया रात ने मेरा, मैं किसी ने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं। मौसी जी मौसी मत करिए, पूर्णमल की थोड़ी सी परे को होकर बात कर, मैं दूर से ही समझ जाऊंगा क्योंकि मेरा हाथ तंग है इस मामले में। हाँ पिताजी की तरफ कोई रही है मेरा कोई मतलब नहीं, आप मेरी माँ हो, उबर ज्यादा होगी है मेरी, मैं थोड़ा तजुर्बे से ही काम करूंगा। मेरी बात सुन ले, अगर तन्ने आज फैसला होकर होगा दरोगा जी, अगर इसने बहू प्यारी है तो यो बहू की कहनी जाओगे, अगर इसने अपना बेटा पूर्णमल प्यारा है तो यो पूर्णमल रखेगा, और अगर इसने मेरी इज्जत आबरू प्यारी नहीं, महाराज तने मेरी इज्जत आबरू प्यारी नहीं तो पूर्णमल आज फांसी दे दे। रानी दूध का दूध होगा और पानी का पानी, जो सच्चाई होगी वो निकल करके सामने आ जाएगी। यदि पूर्णमल दोषी है तो पूर्णमल को वाकई सजा वही दी जाएगी जो तुम चाहोगे। पूर्णमल दोषी है, दोषी आपके कहने से नहीं होगा, पूर्णमल दोषी है। अगर नहीं यकीन होता तो देख कान के पीछे जाकर देख ले, कान के पीछे जाकर देख, मेरी लिपस्टिक का दाग भी लग गया पाओगा, और इसने कल रात में आके मेरे अड़े गुड़ का भरका गया है। अच्छा पिताजी एक बात बता, देख ले चोर है जिप इसकी बात कर लिया, आवाज जा रही है। पिताजी एक बात बताइए, क्या आपको भी विश्वास हो रहा है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या ऐसा होगा? पूर्णमल जितने दोष लगा दिए गए हैं, ऐसा लग रहा दाढ़ में काला कुछ है कि रानी दारी जीवन पट्टी है। अरे वो डोर हाँ देख ले, अब के बाबा ने पिछड़ ली बात जो कह रहा, रानी तो जीवन पट्टी है, बूढ़ा हो रहा है, बात में कुछ ना कुछ राज जरूर है। तो इसमें मेरे पे क्या दोष है, मेरे पे क्या दंड है इस चीज का? आप तक कोई दोष नहीं है पूर्णमल,
मुझे सच्चाई से अवगत हो जाने थे, मुझे बात को पकड़ लेने थे, फिर मैं आप बता दूंगा। लेकिन पिताजी बार बार ये मौसी मुझ में झूठा आरोप लगा रही है, तो मेरा आपके चरणों में नम्र निवेदन है कि आप मौसी की जबान को संभालिए। बिल्कुल सही कह रहा है पूर्णमल जति मर्द हैरानी, एक बार और सोच लीजिए। मैं मेरी जगह संभली संभलाई हूँ, रात ना तूनू बता तू जी, तुम भी बताओ आशीर्वाद तो दिन में लिया जावे, रात ना कौन सा आशीर्वाद लेना आया मेरे दौरे। पिताजी रात को गया मैं आशीर्वाद लेने, अभी झूठ बोल रही है, रात ना मेरे दौरे आशीर्वाद लेना आया। ये कुछ भी कहे, 100 रुपए हमारे महाराज जी की तरफ से दिए गए हैं, हम उनका बार बार धन्यवाद कर देना चाहते हैं। और मौसी जी से भी निवेदन है कि पूरणमल पर ज्यादा दोष साबित ना करें और पिताजी के चरणों में अपना ध्यान रखें। हाँ, हमारे महाराज जी जो घोड़ी में चढ़ के आए हैं, उन्होंने 100 रुपए दिए हैं टीम के लिए, बार बार धन्यवाद। रानी अपनी बात को कह दीजिए और मेरी सुन लीजिए। कहिए। तड़े पड़ी मेरी नार, मने मत न्या छेड़े भरता, उठ क्यों तड़े पड़ी मेरी नार, डटी शर्म तेरी से, पता के खता हुई मेरे से, गरीब लग डटी शर्म तेरी से, ना अपने घर चली जाती, ए घर मार ले जूत बाहर में, मानस पंचती उठ क्यों करे पड़ी मेरी नार, बने के मराद बाग बगीचे बावड़ी सब तेरी जायदाद रानी,
सब तेरी नजात। तेरे बोलने सुन सुन गिरगी मेरे छाती के मराद, छाती के मराद। कौन प्यारा से नगर बार नगर थरा सारा से, तेरे से बात कौन प्यारा से नगर बार नगर थरा सारा से। मेरा नयाड़े है कोई है माती, अरे किसने के ओ किसने के कह दिया हूर क्यों मेरे टकराती उठ क्यों बड़े बड़ी मेरी नार मने अब ना छेड़े बरतार तेरे से सरमाती।